फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड इट इज टू बी ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट इफ शीट मेजरिंग 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट रुपी 20 देखो आपके पास एक प्लास्टिक शीट है और उस प्लास्टिक शीट की हेल्प से आपने एक बॉक्स बनाना है उस बॉक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें बताना है कितनी शीट चाहिए होगी इस लेंथ इस ब्रेथ और इस हाइट का बॉक्स बनाने के लिए और कॉस्ट ऑफ द शीट भी निकालनी है देखो लेंथ और ब्रेथ तो दे रखी है मीटर में और हाइट दे रखी है जो बॉक्स की हाइट है वो सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 ठीक है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली जब सेंटीमीटर टू मीटर में जाओगे छोटे से बड़े यूनिट में जाओगे तो क्या करोगे डिवाइड तो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे 100 से डिवाइड करोगे मतलब दो जीरो वाला नंबर है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा तो ये आ गया 0.65 मीटर अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड जब भी आपको एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालोगे ठीक है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्योंकि जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप का है एल बी और एच तीनों अलग अलग है जैसे माचिस की डिब्बी होती है मैच बॉक्स तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है इट इज ओपन एट द टॉप टॉप पे ये ओपन है खुला हुआ है ऊपर से खुला हुआ है तो एक फेस का एरिया माइनस हो जाएगा एल बी माइनस करना पड़ेगा क्यों ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है इसमें से एल बी मैंने माइनस इसलिए किया है क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है ऊपर से खुला हुआ है तो एक फेस का एरिया माइनस हो जाएगा एल बी सारे रेक्टेंगुलर फेसेस होती है क्यूबॉइड के अंदर ठीक है ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगुलर फेसेस ठीक है आप एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल ठीक है ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एल बी ये माइनस एल बी एल इंटू बी माइनस एल बी अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की 1.87 इसकी करी मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके और माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई करके ठीक है अब इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया ऐड करके टू से मल्टीप्लाई करके और फिर ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया आगे 2.7625 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक दैट बॉक्स अब कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिक शीट विच इज रिक्वायर्ड क्या होगी एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है तो जितने स्क्वायर मीटर आया उसे मल्टीप्लाई कर दो दैट इज योर टोटल कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर स्क्वायर मीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है और एरिया ऑफ द रूम दैट गेट व्हाइट वॉश्ड वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी इनटू एच ठीक है वो हो गया एरिया ऑफ वॉल्स देखो एक क्यूबॉइड हो चाहे सिलेंडर हो चाहे कुछ भी हो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं इसका मतलब हम एरिया ऑफ वॉल्स की बात कर रहे हैं और एरिया ऑफ वॉल्स ये दे रखा है आपको ठीक है क्यूबॉइड शेप का होता है रूम भी आपका ठीक है और सीलिंग को भी पेंट करना है हमने सीलिंग को भी सॉरी व्हाइट वॉश करना है तो सीलिंग का एरिया हो गया एल इंटू बी और एरिया ऑफ द वॉल्स हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच ये हो गया एरिया ऑफ वॉल्स और ये हो गया आपका एरिया ऑफ सीलिंग सीलिंग मतलब छत ठीक है तो वॉल्स का एरिया जो कि वॉल शेप का है उसका एरिया हो जाएगा इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या एरिया ऑफ वॉल्स बोले एक ही बात होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी इनटू एच और एरिया ऑफ सीलिंग मतलब छत तो वो सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ अब एल दे रखा है बी दे रखा है एच दे रखा है इसमें पुट कर दो एल और बी एच की वैल्यू एल और बी की वैल्यू तो 5 प्लस 4 9 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 5 4 20
तो 18 3 54 54 प्लस 20 दैट इज 74 और कॉस्ट दे रखी है 7.50 पर स्क्वायर मीटर तो 7.50 पर स्क्वायर मीटर तो 74 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको दे रखा है फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरिमीटर 250 मीटर है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो ₹10 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट ₹15,000 है। चार वॉल्स को फोर वॉल्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट भी दे रखी है और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर भी दे रखी है तो हमें हाइट ऑफ द हॉल निकालना है। देखो पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × 12 + भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो 250 मीटर की मैंने उस फ्लोर का पेरीमीटर, ठीक है, फ्लोर मतलब फर्श। अब एरिया टू बी पेंटेड कितना हो गया, टोटल कॉस्ट को जब मैं कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितने स्क्वायर मीटर को पेंट किया है। तो मैंने 1500 स्क्वायर मीटर के एरिया को पेंट किया मतलब एरिया ऑफ द फ्लोर हो गया 1500 स्क्वायर मीटर। अब मेरा जो वो है क्या कहते हैं इसकी काउंटी सरफेस एरिया हमें निकालना है कि मतलब पेरीमीटर का फार्मूला यही होता है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर होती है उसका पेरीमीटर 2 × 12 + होता है वो आपको 250 मीटर गिवन है, एक फ्लोर एक हॉल के फ्लोर का पेरीमीटर। अब हमने इसे पेंट करना है इसकी फोर वॉल्स को, जो फोर वॉल्स को पेंट करना है ठीक है फोर वॉल्स को उसकी टोटल कॉस्ट भी दे रखी है और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर भी दे रखी है। टोटल कॉस्ट इज 15,000 एंड कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज 10, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा मैंने कितने एरिया को पेंट करना है, तो वो हो गया मेरा 1500 स्क्वायर मीटर टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। अब मुझे दे रखा है कि मुझे वॉल्स को पेंट करना है उसकी दीवारों को, तो वॉल्स का एरिया होता है 2 × 12 + 2h, जैसे कि अभी इसमें भी इस क्वेश्चन में भी बताया था एरिया ऑफ वॉल्स, तो एरिया ऑफ वॉल्स होता है 2 × 12 + 2h और टोटल एरिया टू बी पेंटेड एरिया ऑफ वॉल्स मुझे दे रखा है मतलब मैंने निकाल लिया 1500 स्क्वायर मीटर। अब इसमें देखो कि आपको 2 × 12 + d की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब ये तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 12 + d की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको 250 दे रखी है, तो आप एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो 250 × h इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना, 2 × l + b पेरीमीटर की वैल्यू आपको 250 गिवन है, ठीक है, तो 2 × l + d की जगह मैंने क्या लिख दिया 250, ठीक है, और × h इज इक्वल टू 1500, तो h क्या होगा ये इसको डिवाइड में ले जाएंगे डिवाइड करके 6 मीटर आपको हाइट निकालनी थी हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वल टू 9.375 स्क्वायर मीटर, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर इतना पेंट है कि वो टोटल इतने एरिया को पेंट कर सकता है, ठीक है, तो हमें दे रखी है ब्रिक, एक ब्रिक का एल बी और एच दे रखा है, उस ब्रिक की लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 7.5, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, जबकि एरिया जो टोटल पेंट जो उस पेंट से टोटल एरिया पेंट हो सकता है वो स्क्वायर मीटर में दे रखा है और लेंथ ब्रेथ और हाइट जो ब्रिक्स की दे रखी है वो सेंटीमीटर में गिवन है। हमें बताना है इस कंटेनर के पेंट से हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, इस जो आपके पास कंटेनर के अंदर पेंट है उससे कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी इस एल इस बी और इस एच वाली, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द ब्रिक इज गिवन। सबसे पहले क्या करेंगे एरिया ऑफ वन ब्रिक निकालोगे, ब्रिक किस शेप की होती है क्यूबॉइड शेप की और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक होता है 2 lb + bh + hl, ठीक है।
अब इसको यूज कर लेना एल इंटू बी बी इंटू एच एच इंटू एल, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ वन ब्रिक कैलकुलेट करके आएगा, या आपने इन तीनों इसको इसको और इसको कैलकुलेट करके एडअप कर दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी वैल्यू आपके पास एरिया ऑफ वन ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। अब ये है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और टोटल एरिया टू बी पेंटेड जो दे रहा था, जो इस कंटेनर के अंदर जितना पेंट है उससे जो टोटल एरिया पेंट हो सकता है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दो बार इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जब हम जाएंगे तो दो बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर टू सेंटीमीटर, अदर मीटर टू सेंटीमीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब ये टोटल एरिया आपका पेंट हो सकता है उस कंटेनर के पेंट से, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। जब टोटल एरिया टू बी पेंटेड एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक करोगे तो पता चल जाएगा हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय यूजिंग दैट पेंट। ये डेसिमल आया, यहाँ पर 10 आया, ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1000 आया। और क्योंकि इसको हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में किया, इसलिए 2 बार 100 आया, ठीक है। 2 बार 100 किसकी वजह से आया, कन्वर्जन की वजह से। और ये डेसिमल हटाया नीचे 10, और ये डेसिमल हटाया 3 डिजिट के बाद था नीचे 1000। कैंसिलिंग करो, 0000, 0000, 9375, 9375, बचा क्या 10 × 10, 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखो, जिसकी एल बी और एच 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हमें इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, पहले पार्ट में बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है एंड बाय हाउ मच, और किसका टोटल सरफेस एरिया कम है एंड बाय हाउ मच, ठीक है। तो पहले इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेना है क्यूबॉइड का, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, सारे फार्मूले जो है वो एक पेज पे नोट डाउन करते जाना, एक सेपरेट पेज बना लेना जो भी फार्मूले यूज होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, बहुत सारे फार्मूले हैं आपके और बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है ये आपका, ठीक है। तो 4 साइड स्क्वायर, तो साइड दे रखी है क्यूब की सारी एजेस इक्वल होती है, 10 दे रखी है, तो 10 स्क्वायर, तो 10 × 10 स्क्वायर मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है एन प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना तीनों को, ये ऐड करके आया टू मल्टीप्लाइड बाई दिस 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा, लेटर सरफेस एरिया, तो क्यूब का ज्यादा। एंड बाय हाउ मच, बाय हाउ मच के लिए क्या करोगे, बाय 400 में से 360 क्या 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूब हैज मोर लेटर सरफेस एरिया बाय 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट पे आती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर, साइड दे रखी है 10, तो 6 × 10 × 10, 10 स्क्वायर का मतलब 10 × 10 जैसे इसमें है, ठीक है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड का फार्मूला तो अभी काफी बार आ गया है, 2 × NB + BH + HL। तो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, उसको करो, तीनों को ऐड कर दो, ऐड करके फिर मल्टीप्लाई, टू और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 430 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका टोटल सरफेस एरिया कम का पूछा है, तो कम का पूछा है तो क्यूबॉइड लिख दो, क्यूबॉइड हैज लेस टोटल सरफेस एरिया, मोर पूछे तो क्वेश्चन में मोर लिख देना, मतलब जिसका ज्यादा हो, कम का पूछे तो दिख ही रहा है किसका कम है, क्यूबॉइड का। और बाय हाउ मच, तो बाय हाउ मच के लिए क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना और वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा 071 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। अब मैंने 5 क्वेश्चन तक आपको समझा दिया, आप चाहो तो अदर भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, यही फार्मूले यूज हो रहे हैं इसमें, तो जो मैंने अभी तक बता दिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना। ओके, थैंक यू।